गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल सलाम अपनी बात मैं मुख्तर रखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त हम गुफ्तु में लगा सकें मसला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है तकरीबन दस मिलियन ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं कोई ढाई मिलियन सऊदी अरब में है एक मिलियन मुत अरब आ, इमारात में एक मिलियन बरतानिया में है कोई आ, पौन मिलियन अमेरिका में है यूरोप में है ऑस्ट्रेलिया में है दीगर जगहों पर है लेकिन ये समझ लीजिए कि 250 मिलियन की आबादी में से 10 मिलियन बाहर रहते हैं यानी के चार फीसद बाहर हैं हर सौ पाकिस्तानियों में से चार बाहर हैं जितना जरे मुबादला ये भेजते हैं वो हमारी कुल बरामदात से ज्यादा है या उसके बराबर है तकरीबन तीस अरब डॉलर सालाना है अब थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि लोग हुडी के जरिए से भेजते हैं लेकिन वो रकम अपनी जगह पर कायम है आपने ये भी देखा है कि यहां लोगों में बड़ी एक शिद्दत पाई जाती है कि वह किसी तरह से बाहर निकले और हाल में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जो आपने अखबार में पढ़ा टी वी पर देखा एक समंदरी जहाज जिसमें कोई तकरीबन साढ़े सात सौ लोग सवार थे कोई तीन सौ तीन सौ से लेकर चार सौ पाकिस्तानी थे फिशिंग ट्रॉलर था शिकस्ता हाल था ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों को सबसे नीचे डेक के नीचे रखा गया उनको वहां पर जाने पर मजबूर किया गया ऊपर कुछ अरब थे फलस्तनी शाम के लोग वगैरह वगैरह पाकिस्तानियों को सबसे कम दर्जा दिया गया और जब कश्ती उलट गई तो तीन या चार सौ में से सिर्फ कोई बारह पंद्रह बच सके असल में पूरे हकायक तो हमारे सामने हैं भी नहीं क्योंकि उस कश्ती में कितने लोग थे और किन कौमियतों के थे ये बातें अब तक पूरी तरह से वाज नहीं हुई हैं ये भी हमें पता है कि वहां जो स्पेनिश कोस्ट गार्ड आया था इनके बचाव के लिए वो छः सात घंटे तक उनको देखता रहा दूर दूर से उनके पास गया नहीं और जब गया और कहते ये हैं कि तो रस्सी फेंकी उसको टो करने के लिए तो उस अमल में वो कश्ती उलट गई और फिर गर्क हो गई पता नहीं सच्ची बात क्या है वहाँ यूरोप में भी एक इस पर तफ्तीश हो रही है लेकिन इस सहने से ये तो हमें पता चला कि यहाँ बहुत से लोग हैं और नौजवान हैं ख़ास पर जो इस मुल्क से भागना चाहते हैं और आपका और मेरा भी उनके साथ सबका होता रहता है मैं अपनी बात ये बताऊं कि ये चंद रोज़ पहले की बात है कि एक लड़का लड़का मैं नहीं कहूँगा नौजवान कोई पच्चीस छब्बीस साल का था और उसकी गाड़ी थी टोयोटा करोला वो कह उसने मुझे बताया कि वो ये बेच कर यहाँ से जाना चाहता है तो मैंने पूछा कि गाड़ी कितनी की बिकेगी तो उसने कहा कि कोई चालीस लाख की बिकेगी जो एजेंट है वो पच्चीस लाख रुपए मांग रहा है तो पंद्रह बच जाएंगे इस इस तरह से वो फिर लगा देगा कोई डॉलर शॉलर खरीदेगा और फिर चला जाएगा यूरोप मैंने कहा कि भाई कैसे जाओगे तो उसने कहा अब तक तो ये पूरी तरह से मुझे पता नहीं लेकिन हो सकता है कि वो मेरा वीजा लगवा दे लेकिन वीजा तो आजकल बड़ी मुश्किल से लगता है फिर कोई और तरीका निकाल लेगा मैंने कहा क्या फिर ईरान और तुर्की के जरिए से जाओगे हाँ अगर जाना पड़ा तो चला जाऊंगा मैंने उसे कहा खुदा रहा मैंने उसके सामने हाथ जोड़े मैंने कहा ना जाओ इस तरह से पता नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा ये उसकी किस्मत के ऊपर है मगर ये एक आपने देखा होगा कि आम रुझान है इधर अपने अतराफ के इलाकों में आप देखें चकवाल और आज़ाद कश्मीर और पूरे पंजाब में नौजवान बहुत से हैं जो जो घबराए हुए वो ऐसे लगता है कि बस वो किसी तरह से यहां से निकलना चाहते इसमें गर्बत तो चलिए एक बात होती है लेकिन ये इतना भी गरीब नहीं था कि इसके पास टोयोटा या करोला था खैर ये उसका असासा इससे ज़्यादा शायद कुछ ना हो 40-50 लाख तो थे उसके सो इज़ नॉट अ पुअर मैन लेकिन एक, एक एक मुझे लगा कि उसके अंदर बेजारी है वो कहता है कि मेरा इधर कोई मुस्कबिल ही नहीं बनता फ्यूचर नहीं बनेगा मैं क्या करूँगा आगे जाकर ये गाड़ी कब तक चलाऊँगा और लोग भी हैं जो उसी पोजीशन में हैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था शायद उसने मैट्रिक किया था या एफएससी किया था तो ऐसे अब हमें लाखों नौजवान दिखाई देते हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन ये अब हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है मेरा यूरोप और अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जाना होता है मुख्तलिफ़ कामों से कुछ साइंसी होते थे अब नहीं है लेकिन वैसे ही कभी कोई लोग लेक्चर के लिए बुला लेते हैं तो उधर जाकर पाकिस्तानियों का हाल देखने को मिलता है कुछ वक्त पहले मैं नॉर्वे गया था फिर स्वीडन गया था बरतानिया कई दफ़ा गया तो मेरे जो कुछ चंद तथ हैं मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ ये जाहिर है कि कोई मैंने सर्वे तो नहीं किया लेकिन जो मैंने देखा तो उसके हवाले से मैं आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तु करना चाहता हूं एक तो ये कि जो आम, आला डिग्री याफ्ता पाकिस्तानी है इन मुल्कों में बहुत कम है खास तौर पर अगर आप बरतानिया जाए तो उधर ईस्ट लंदन, ब्रैडफर्ड बर्मिंघम, मैनचेस्टर जैसी जगह जो हैं वहाँ आपको ऐसे लगता है कि आप किसी आ, मिनी पाकिस्तान में पहुँचे हैं उधर जो घर हैं वो सारे छोटे छोटे और साथ साथ बने हुए हैं उधर से जो खुशबूएं उठती हैं पकवान की तो उसे भी पता चलता है कि ये पाकिस्तान है जिस तरह से वहां ड्राइविंग करते हैं वो भी पता चल जाता है कि पाकिस्तानी उसको समझा हुआ दूसरों के साथ घुलना मिलना जरा कम ही होता ओ, वहां कोई करियाना की दुकान लगाई हुई होती उन्होंने कुछ कहीं पर बिक बिक्रे होते हैं एक अमूमी माहौल ऐसा है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं पाकिस्तान से यही चीज़ मैंने ब्रैडफर्ड में देखी बर्मिंघम मैंने खुद नहीं देखा लेकिन अब जाने का इरादा है लोग बहुत मेहमानदार हैं मेहमान नवाज हैं और जब वो आपको पहचान लेते हैं कि पाकिस्तान से तो कहते हैं कि आओ हमारे साथ रोटी खाओ ये बड़ा अच्छा एक प्यार भरा माहौल होता है लेकिन मैं ये नोट करता हूं कि वो आ, औरों के साथ एक दूरी रखते हैं गोरों के साथ गोरी दूरी रखते हैं वो अपने बच्चों को मैंने ये देखा कि वो अपने बच्चों को सिर्फ आ, सारे नहीं लेकिन एक खासी तादाद है उनकी जो होम स्कूलिंग करते हैं वो कहते हैं कि ये उन स्कूलों में चले गए तो ये खराब हो जाएंगे ये अपनी असलियत भूल जाएंगे तो हालांकि ये दूसरी नस्ल आ रही है इनकी सेकंड जनरेशन है लेकिन फिर भी उन्हें कहा कि न, 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 हम इतने नज़दीक इनके नहीं जाएंगे अब उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कुछ ऐसे असर बरामद हुए हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तानियों के ऊपर छाप लग गई है कि ये वो लोग हैं जो हमसे अलग थलग रहते हैं हमारे साथ ये नहीं घुलना मिलना चाहते हैं और इसके नतीजे में एक एक तासुब सा पैदा हो गया तो एक जमाने में बरतानिया में पाकी बैशिंग बहुत आम होती थी अब, अब, अब उसका सुनने में नहीं आता ज्यादा लेकिन ये कि हाँ वो पाकिस्तानी है पकड़ के मारो उसको तो ये बहुत ही एक मेरा ख्याल है कि उसकी बदतरीन शक्ल थी अब जो उधर का प्रेस है वो जब रिपोर्ट करता है कि इधर फसादात पाकिस्तानियों के बीच में होते हैं और कत्ल होते हैं ऑनर किलिंग्स होती हैं ऑनर किलिंग्स एक हो तो उसका असर जो है वो एक साल दो साल तक रहता है लोग भूलते नहीं शायद कभी भी नहीं भूलते कि इस बाप ने अपनी बेटी को मार दिया आखिर मसाइल तो पैदा होते ही हैं वहाँ पे इसलिए कि जब आप एक दूसरे मुल्क में जा कर रहते हैं उधर का माहौल बिल्कुल और होता है आपके बच्चों को आप अगर उस समाज से दूर रखेंगे तो फिर वो मिसफिट हो जाएंगे और अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर लड़कियाँ ख़ास तौर पर कहेंगी कि हमें तो अपने बॉयफ्रेंड चाहिए फिर आगे जाके क्या होता है शादी हो भी जाती है अगर हो भी जाती है तो उसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती होती भी है ये भी है मैंने देखा है कि वहाँ जो पाकिस्तानी लड़कियों ने शादियाँ की हैं उनके वालदे ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरा ख़्याल है यहाँ तबके तबके में फ़र्क है जो अपर क्लास है नस्बता जो खाते पीते लोग हैं जो ज़्यादा इंटीग्रेट हुए हुए उधर ये चीज़ ज़्यादा काबिल कबूल बनती है लेकिन जो जो मज़दूर तबका यहाँ से गया वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं अच्छा अब ऐसे हुआ था कि आज से कुछ साठ सत्तर साल पहले जब ये साठ साल पहले शायद जब ये मंगला डैम बन रहा था तो उधर से बहुत से पाकिस्तानियों को मौका मिला ए, एक तो यह कि मंगला डैम बनने से वहाँ बहुत से देहाती बेदखल हो गए और फिर उनकी एक लहर नीचे की तरफ पहुँची और फिर उन क्योंकि मुलाजमतें थी नहीं पाकिस्तान में तो एक उससे एक प्रेशर बना कि वो मुल्क से बाहर जाएं और उस ज़माने में वीज़े बड़ी आसानी से लग जाते थे आजकल तो नहीं आजकल ब्रिटिश एंबेसी के सामने तो लाइन लगी हुई होती है आपको वो वीजा नहीं देते लेकिन उस जमाने में जो भी जाना चाहता था उसको दे देते थे और नतीजा ये कि उधर खासी आबादी हो गई पाकिस्तानियों की और खासतौर पर जो मजदूर तबके से ताल्लुक रखते थे अब वो लोग जो है उन्होंने अपना वहां पर एक अलग निज़ाम कायम किया आप, वो अपनों में रहते हैं मैं जब नॉर्वे गया था तो उधर मुझे मैं ये समझ रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा नॉर्वे की आबादी पाकिस्तानियों की कम है मुझे सही नहीं पता कि कितने हैं? कि नो no, no, no. नो नो नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं मैं ये कह रहा हूं कि जितने जितने पाकिस्तानी नॉर्वे में मुक्म हैं। शायद वो साठ सत्तर हजार से ज्यादा नहीं होंगे बहरहाल मैं समझा कि अगर इतने थोड़े हैं तो वो फिर आपस में ही रहेंगे और वो भी वैसे ही हाल होगा जैसा कि ब्राइडफर्ड और मैनचेस्टर का है लेकिन ऐसा ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था और मैंने देखा चलिए देखे ना एक विजिट में आप बहुत कुछ ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप लोगों से पूछ सकते हैं और कि इधर के पाकिस्तानियों के रुझाना क्या हैं क्या वो उन्होंने नॉर्वेजियन सीखी है या वो बस उर्दू ही चलाते हैं क्या इधर तो पता ये चला कि जो पिछली जनरेशन थी वो तो इंटीग्रेट नहीं हुई लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इंटीग्रेट करने दिया और वो अब आ, आ, जो बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेट समझते हैं इस बात को वो तकरीबन भूल गए कि वो कहाँ से आए तो मेरा ख्याल मुख्तलिफ जगहों पर आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाई देंगी लेकिन जो हम बरतानिया में देख रहे हैं वो तो खासा सिग्निफिकेंट है वहाँ पर चूंकि एक फिलोसफी थी मल्टी कल्चरलम की प्लोरिज्म की तो उसमें यह था कि ठीक है तुम तुम्हें, तुम्हें जो भी करना है हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे तुम्हें अपने बच्चों को घर पर तालीम देनी है तो दो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे स्कूल जाने पर लेकिन और जगहों पर ऐसे नहीं है जैसा कि फ्रांस है फ्रांस में कहते हैं कि अगर तुम इधर रहना है, तुम अपने बच्चों को स्कूल में भेजे हुए और उसका नतीजा ये कि अब फ्रांस में मैं समझता हूँ कि आ, एक तरफ उधर दो रुझाना पैदा हुए हैं एक जो बहुत आ, 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 डिफेंसिव मेकनिज़म बन गया है जिसमें यह है कि हमें आ, इन आ, फ्रेंच से कोई सरोकार नहीं और फिर वो जब कोई आ, ऐसा वाक होता जैसा कि आपने देखा था गु, गुस्ताखी का तो फिर तो वो गर्दनें काटने के लिए निकल आते हैं लेकिन दूसरे जो हैं वो फिर काफी हद तक उस सोसाइटी के अंदर जम हो गए मैं अब अपने हाल के कुछ तजुर्बाते आपके सामने मुशाहदात आपके सामने रखना चाहता हूँ कुछ महीना पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद फिर मैं पाँच छः मुख्तलिफ शहरों में गया लेक्चर्स थे मेरे और जो सबसे दिलचस्प था वो सिलिकॉन वैली का था कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के बारे में तो आप वाकिफ़ हैं ये वो जगह है अमरीका में जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस होती हैं जो आपका स्मार्टफोन है वो उधर ही की ईजाद है जो उससे पहले जो लैपटॉप कंप्यूटर था गूगल का बेस वहीं पर है आ, उधर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चैट जीपीटी और बार्ड वग़ैरह सब उधर ही से निकलती हैं तो उधर चूंकि मेरा ख़ासा आ, वक्त गुजरा पाँच छः दिन गुजरे अमेरिका के उन लोगों के साथ उन पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ क्लास के हैं जहाँ आप समझ लें कि आपकी दौलत का अंदाज़ा इससे नहीं होता कि आपके पास कितने मिलियंस हैं आखिर देखिए ना मिलियंस तो एक मिलियन डॉलर तो आजकल अगर किसी का कुल असाह एक मिलियन डॉलर हो तो गरीब समझा जा जाता एक मिलियन हमारे हिसाब से कितने बनते हैं तीस करोड़ ना हाँ। तो किसी के पास दस करोड़ दस मिलियन हो तो इज इज नो बॉडी उस जगह पे टेन मिलियन यो बॉडी अगर सौ मिलियन हो तो फिर आप आपकी कुछ हैसियत बनती है 500 मिलियन से ऊपर यू स्टार्ट गेटिंग इंग और कुछ ऐसे हैं वहां पर जिनके पास एक दो तीन चार मैक्सिमम मेरा ख्याल है पाँच बिलियन है ये मैंने लोगों से सुना है मेरे पास इसकी इसका कोई सबूत नहीं है मगर चूंकि मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूं तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आ, ये ऐन मुमकिन है तो एक शख्स जिसका मैं नाम नहीं लूँगा जिसको मैं पचास साल पहले ठीक पचास साल पहले 1973 में वो उस वक्त एक एक इंजीनियर था हरिपुर टेलीफोन फैक्ट्री में अब मेरा ख्याल है वो फैक्ट्री है नहीं हरिपुर में लेकिन बड़ा तेज तरार इंजीनियर था मुझसे एक साल बड़ा उसके साथ बड़ी दोस्ती थी उस वक्त फिर बाद में मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया फिर वो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री की फिर अमेरिका चला गया और तीस चालीस साल गुजर गए तीस साल गुजर गए तो उसके बाद दोबारा कांटेक्ट हुआ पता चला कि उसने एक ऐसा चिप बनाया कंप्यूटर चिप बनाया जो तो दूसरे चिप से उस जमाने में डबल स्पीड का था और उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि इंटेल इंटेल का नाम सभी ने सुना यहां पे वो वो, वो उस कंपनी की दीवारें हिलने लगी तो उसने अपनी कंपनी बना दी एक कंपनी से दो दो से चार पता नहीं कितनी कंपनियां उसने बनाई तो ही इज कंफर्टेबल एक और जिसने साइबर कम, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में एक जो मेरे साथ एम में था नाइनटीन सेवेंटी में अब फौत हो गया मैं नहीं लूंगा लेकिन हम एक ही लैब में काम करते थे आई थिंक यू इज अ ब्राइट पर्सन सुपर ब्राइट नहीं था आई आई कैन टेल यू इज नॉट सुपर ब्राइट लेकिन उसने जो कंप्यूटर विजन में काम किया आज जो आपका कंप्यूटर विजुअल पैटर्न रिक्निशन करता है ये उस पर उसकी कंपनी ने ये चीज पैटेंट किया एंड आई डोंट नो हाउ ही ही वर्थ व्हेन तो देखें ये वो लोग हैं जो ऊपर चढ़ गए और उन आपको ये मौका मिलता है कि आप जा सकते हैं यहां पर बड़ा मुश्किल है यहां पर ये एक, तो एक ही एकदात होती नहीं है जब होती हैं तो कोई आके चुरा लेता है अगर आपने वो चीज बना भी ली तो फिर आपके पास मार्केट करने का कोई जरिया नहीं होता आपके पास वो वेंचर कैपिटल नहीं होता लेकिन उससे बड़ी बात ये कि इधर कोई लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है अगर किसी दूसरे बंदे ने वैसा ही कुछ बनाया और आपको पता है कि आपकी चीज़ उसने चुराई है तो आप उसको बेशक कोर्ट में ले जाए लेकिन इधर का जो अदालती निज़ाम है वो ऐसा चौपट है कि आप गलती करेंगे पछताते रहेंगे कि मैं इसको क्यों ले गया वहां पे मार तो मुझे पड़ी ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में हम यहां पर कुछ ज्यादा जानते नहीं लेकिन जो दूसरा सानिया हुआ वो जो दाऊद खानदान का था जिसमें एक सबरीन सा एक सबमरीन थी उस सबमरीन में ये पांच लोग गए उस सबमरीन को पूरी तरह से टेस्ट भी नहीं किया था उसको ले गए टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए और जैसा कि हमें पता है कि प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि वो फट गया वो दब गया इम्प्लोड कर गया अब उस सबमरीन में नीचे जाने के लिए आपको टिकट देना पड़ता था वो टिकट ढाई सौ टू फिफ्टी था यानी क्वार्टर मिलियन डॉलर्स का एक तरफ तो देखें वो जो 22 लाख रुपए देते हैं जो 22 लाख रुपया कितना बना कोई 7000 डॉलर लगभग 7000 डॉलर देकर वो किसी तरह से यहां से जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं कश्तियों पर भी बैठ जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप सैर सपाटे के लिए समंदर के नीचे जाने के लिए आप ढाई हजार डॉलर दे देते हैं तो ये एक अजीब सी बात है जो पाकिस्तान में है और बहुत ज्यादा है क्योंकि इधर जितना ऊंच नीच है जितना तबकाती फर्क है हाँ और जगहों पर भी है लेकिन इधर मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही है और क्या बातें हैं जो उधर के बताने की हाँ सैन फ्रांसिस्को में जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे तो वो उधर ज्यादातर तो पाकिस्तानी थे लेकिन इंडियंस भी थे आ, और कुछ महफिलें थी प्राइवेट जिसमें ज़्यादा इंडियंस थे पाकिस्तानी कम लेकिन एक सवाल जो हर एक के जहन में था ठीक है ये चंद एक पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैसे कमाए हैं उनके कारनामे भी हैं देखे ना एक बात ये ये बड़ी अहम बात है यहाँ तो हमारे जो कौन से हैं जो रियाज मलिक रियाज हाँ मलिक रियाज भी तो बहुत अमीर आदमी है ना क्या करता रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी डीलर इधर से लोगों को उठाकर उधर कर दिया फिर ज़मीनों पे कब्जा करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई फिर उधर दस्तरखान लगा दिया ताकि लोग बहुत ज्यादा नाराज ना हो उसके साथ बट ही क्रिएट्स नथिंग ही क्रिएट्स नथिंग उसकी कोई ईजाद नहीं वो बस मकान बनाता चला जाता है या फिर वो साहिबान ले लें जो डी बनाते हैं दे आर वेरी रिच पीपल ऑल्सो बट दे क्रिएट नथिंग ये लोग जो सिलिकॉन वैली में है और मैं सिर्फ सिलिकॉन वैली की बात नहीं कर रहा हूँ देखिए मैं ह्यूस्टन भी गया था डेलस भी गया था और वहाँ मेरा ऐसे लोगों के साथ, साथ का पड़ा जो जो क्रिएट करते हैं मिसाल के तौर पर मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ इसमें लेकिन एक, एक एन ई डी का है एन ई डी के नाम से आप वाकिफ़ हैं ना ई एन, डी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची हाँ तो वो उसने मेकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था वहां से आज से पता नहीं तीस साल पहले और उसने एक हीट एक्सचेंजर डिजाइन किया है विच वर्क्स ऑन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आहूजा साहब आप जानते हैं उसका उसका एक ट्रिपल पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट पे अगर आप हीट एक्सचेंजर चलाएं ना तो इट टर्न्स आउट टू बी इट्स व्हाट इज कॉल्ड द रैंकाइन साइकिल जो कि कार्नो साइकिल जितना नहीं है कार्नो साइकिल इज द आइडियल साइकिल लेकिन उसके नजदीक आता एटी परसेंट ऑफ कार्नो साइकिल ऑफ द आइडियल साइकिल अच्छा उसकी बिना पर उसने हीट एक्सचेंजर कंपनी बनाई है और अब उसके सत्तर एम्प्लॉज हैं तो आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं गे हाउ मच आर यू वर्थ इट्स नॉट पोलाइट टू आस्क ऐसी आपको चंद एक मिसालें वहां पर मिलेंगी लेकिन जहां पर आपको एक पाकिस्तानी ऐसा मिलता है तो उधर पचास साठ इंडियंस मिल जाते हैं अच्छा अगर आप एकेडमिया में देखें यूनिवर्सिटियों में देखें कि कौन इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है फिजिक्स का प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है तो उधर तो ऐसे लगता कि पाकिस्तानी ना होने के बराबर है कुछ हैं पूरे अमेरिका में पंद्रह बीस फिजिक्स के थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे जबकि इंडियंस तीन चार हजार होंगे आई डोंट नो आई हैव काउंटेड जिस डिपार्टमेंट में आप देखें तो उधर कोई इंडियन नाम हिंदू नाम दिखाई देगा तो ये सवाल बहुतों ने पूछा मुझसे कि आखिर ऐसे है क्यों इसका जवाब मेरा ख़्याल है कि तारीखी तौर पर समझा जा सकता है इसकी वजह बहुत पहले लोगों ने समझ ली थी और वो ये कि इल्मी मौजूआत में और इंजीनियरिंग में और हार्ड साइंस में हार्ड साइंस में मैं बायोलॉजी को भी शामिल करता हूँ क्योंकि आजकल जितना काम डीएनए के ऊपर हो रहा है और डीएनए से मुतल जो प्रोडक्ट्स uh, हैं मिसाल के तौर पे आप डीएनए कंप्यूटर्स बने हैं यू नो देव एक्चुअली मेड डीएनए कंप्यूटर्स मार्केटेबल तो नहीं है स्लो लेकिन पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी तो इसका ताल्लुक है पढ़ने लिखने के साथ बुनियादी तौर पर दो कल्चर्स हैं एक जो मार्शल कल्चर जिसमें आप बजोर तलवार मुशतर करते हैं और एक वो है जो पढ़ाकू कल्चर होता जिसमें आप किताबें पढ़ते हैं अच्छा आप इंडिया चले जाएं बस में बैठें जहाज में बैठें ट्रेन में बैठें तो लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं यहाँ आप रोज़ मेरा हर हफ्ते मेरा डेवू पे आना जाना होता है लाहौर से शायद वो ना देर कभी मैंने किसी को किताब पढ़ते हुए देखा और और अगर कोई पढ़ भी रहा हो तो वो जिनों के ऊपर या पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें तो कोई इल्मी किताबें हम नहीं पढ़ते ये बात है तो दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल कल्चर विच इज़ मिसिंग यही वजह है कि हालांकि देखें आ, खमीर तो एक ही है ना डीएनए ए तो एक ही है हमारा और उनका मगर आ, ये फर्क आ गया और ये आज का नहीं आया ये तो पिछले 300-400 साल से चला आ रहा है मुग़ल जमाने से चला आ रहा है उससे पहले चला आ रहा है तो ये बातें हमें अब समझनी चाहिए अब जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी गया अमेरिका बाइडन के साथ झप्पी पप्पी हुई और अब जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अब इंडिया में लगेंगी उधर गूगल जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है कौन कौन जा रहा है हम बेचारे इधर बस फॉरेन ऑफिस हमारा जो है वो, वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है हमें हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी जो जो हमने इधर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी उसका हमें उसके अवस ये मिला ये तोहफा मिला अरे भाई इस तरह से काम नहीं चलता ये आप समझ लें कि बीसवीं सदी क्या इक्कीसवीं सदी आ गई है आपको जमाने के साथ साथ चलना होगा आपको अपने इकदार बदलने होंगे आपको अपनी तालीम बदलनी होगी ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आपने इस मुल्क के ऊपर मुसलत किया है ये जहर है ये ऐसा जहर है कि ये हमें निडाल रखेगा अगले सौ साल तक खुदा समझ लें इस बात को नहीं तो और इस तरह के जहाज समुद्री जहाज भरे हुए होंगे पाकिस्तानियों से एक तो ये कि हम अपनी आबादी को भी कम करने से कोई हमें कहे कि आबादी कम करो तो हम बुरा मान जाते हैं क्योंकि हर बच्चा जो है अपनी रिस्क लेकर आता है अरे भैया अगर रिस्क लेकर आए तो ये इतने बच्चे भी क्यों मांग रहे हैं सड़कों पर भी क्यों मांग रहे हैं हम ऐसे पड़े हुए हैं अब आप देखिए अपने अतराफ में ही मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस बिल्डिंग के अतराफ में आप देखें जो उधर नादार बेचारे बेअसरा बच्चे हैं कितने हैं एंड येट वी रिफ्यूज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ये बातें हमें समझनी होंगी टू अंडरस्टैंड द रेशियो ऑफ वन वाई इज इट वन टू सिक्स एंड वन टू सिक्स पर ये नहीं कि हम कर नहीं सकते मिसालें तो अब हमारे सामने आ गई हैं ना मैंने आपको तीन चार मिसालें सुनाई मगर ये वो हैं जो चलिए खाते पीते लोग थे और जिन्होंने वहां जाकर अचानक उनकी सोच में भी तब्दीली आ गई डॉक्टरों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूं जिन्होंने यहां से पढ़ा वहां गए अमेरिका गए और जाते ही उनको ऐसे लगा कि उनके सर के ऊपर कोई ठंडे पानी की बाल्टी ओंडेल दी गई है देवर कंप्लीटली शॉकड क्योंकि इधर जिस तरह की उनकी तरबियत होती है अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेजेस में उनकी तालीम होती है चलिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो वहां चले जाते हैं एग्जाम कर करके उधर निकल जाते हैं लेकिन जब वो जाकर उधर के क्लिनिकल प्रैक्टिसेस देखते हैं तो कहते हैं कि तो उनको अंदाजा होता है कि वो और ही दुनिया है कुछ उनमें से फेल हो जाते हैं दे टेक इट लेकिन जो उनके जो जो ज्यादा जहीन है वो चल जाते हैं उसमें चल जाते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं और फिर बहुत अमीर भी हो जाते हैं तो अगर आप कभी अपना अपना का नाम सुना आपने ऑल पाकिस्तान फिजिशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका तो उनके कन्वेंशन में मुझे उन्होंने दो तीन दफा बुलाया है तो मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूं कोई तकरीबन चार से पांच हजार पाकिस्तानी डॉक्टर वहां जमा होते हैं किसी की आमदन मैं दावे से कह सकता हूं दस मिलियन डॉलर सालाना से कम नहीं होगी अच्छा उधर बड़े खाने शाने लगते हैं बैंकवेट होता है सब कुछ उधर आप समझ लें कि कोई को बहुत बड़ा हॉलिडे रिसोर्ट है उधर यह होता है कभी मायामी में होता है कभी डेलस में होता है कभी कैलिफोर्निया में होता है कहीं कहीं होता है अच्छा तो उधर रूम्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक मेडिकल टॉपिक्स कोई पता नहीं कीमोथेरेपी के नए टॉपिक्स होंगे उधर लोग बहुत कम होते हैं ज्यादा घूमने मिलने के लिए सोशल ओकेजन होता There is no medical research being carried out by Pakistani doctors in the U.S. हालांकि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और अगर अच्छे डॉक्टर ना होते तो उनके पास मरीज जाते नहीं उनकी सर्टिफिकेशन वापस हो जाती लेकिन उनके अंदर वो वो तजस नहीं है वो शौक़ नहीं है कि वो कुछ नया प्रोसीडर निकाल लें कोई नई कोई कोई नया आला बना लें हाँ एक एक आ, मैं न्यूरो न्यूरोसर्जन को जानता था अब क्योंकि वो फौत हो गए मैं उनका नाम ले सकता हूँ डॉक्टर अयूब उमैया और डॉक्टर अयूब उमैया ने एक जो न्यूरोसर्जन थे उन्होंने एक एक ऐसा आला बनाया था कि जिससे दिमाग के अंदर आप जाकर देख सकते थे उधर जो ग्रोथ है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे विदाउट पेरिफेरल डैमेज बदकस्मती से वो उसी डिजीज से फौत हुए ट्रेजिडी और उसको भी मेरा ख्याल है कुछ पंद्रह बीस साल हुए होंगे लेकिन ही वाज एन एक्सेप्शन मेडिकल जर्नल्स अगर आप खोलें तो उधर आपको पाकिस्तानियों के नाम नहीं नजर आएंगे इंडियंस बेशुमार तो ये इनोवेशन उनमें नहीं है बट दे आर गुड डॉक्टर्स जिसका मतलब ये बनता है कि हमें हमारी जो तरबियत होती है हमको मुतजस नहीं बनाया जाता हमें रिसर्च खो, खोज लगाने की तरफ नहीं लगाया जाता शायद जो हमारे घरों का माहौल है वो इस तरह से है हाँ कुछ कुछ हैं जो निकल जाते हैं अयुबू मैया एक एक मिसाल है लेकिन आ, बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह से चिप के इन्वेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं है हर एक पॉपुलेशन में आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगी अब्दुल सलाम उससे बड़ा पाकिस्तानी साइंटिस्ट कौन हो सकता था जिसको नोबेल प्राइज मिला जिसने ऐसा काम किया कि अब पचास साल बाद भी देखिए 68 में वो काम किया था 67 68 में वो काम किया था सो दैट्स थर्टी फिफ्टी फाइव ईयर्स लेटर द स्टैंडर्ड मॉडल नॉट बी इवन शेकन अप जो यू नो अबाउट इट बट उसको हम मानते ही नहीं एक भी हमने यहां पर कोई इंस्टीट्यूट उनके नाम पर मंसूब नहीं किया जो एक होना चाहिए कहदे आजम यूनिवर्सिटी में उस पर हम लड़ लड़ के मर गए लेकिन वो अब भी अपने नाम पर है यानी नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स हमने कहा कि भाई फिजिक्स 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 से इस शोबे में अब्दुल सलाम से बड़ा कौन हो सकता है जब उसको नहीं मानोगे फिर किसको मानोगे खैर बेकार बातें हैं कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे बस मैंने अपनी बात पूरी कर ली और अब बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने की थैंक यू मेरा नाम इस्माइल है, है मेरे क्लास फेलो हैं वो मेरे रिसर्च में इंटेल के चीफ हैं इस वक्त भी और बड़ा काम है उनका चीफ पे ये प्रोसेसर पे मिस्टर ट्रांसिस्टर भी कहलाते अच्छा जब हमने थोड़ा सा उनके बारे में सोचा तो यू में ये कैसे इस तरह के इंजीनियर पैदा हो गए पता ये लगा कि उनकी बेसिक एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया की अच्छा सेकंड उसमें हमें थोड़ा सा ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी लोग बाहर जाके अर्बनाइज होने से गुरेज करते वो चूज़ तो करते हैं एक पैसा कमाने के लिए जगह दूसरी लेकिन उसके तरह उसको एनालाइज नहीं करते सेकेंडली कि वही आपकी बात कि एजुकेशन में बड़ा फ्लॉ है और इंडिया ने उस पर काफ़ी काम कर लिया और दिन ब दिन वो खलीज गहरी होती जाए डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है जो आपने बात की डॉक्टर्स की है तो 1978 में जब हमने यू में दाखला लिया तो जो दोस्त क्लास फेलो किंग एडवर्ड में थे तो हम लोगों ने ऐसे थोड़ा सा देखने के लिए कि मेडिसिन की किसी बुक में ए, उस वक्त बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर पढ़ाते थे, थे किंग एडवर्ड तो इसमें किसी का नाम है तो आधे पेज का एक हमें एक प्रोफेसर साहब का नाम अच्छा अब पिछले लेक्चर में बात हो रही थी कि बाद लोग पेपर भी परचेज करते हैं और वो पूरा करते हैं प्रोफेसरशिप के लिए एच ई सी उन्हें एक्सेप्ट करती है अब ये सोसाइटी में जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं और लोग इनके पीछे दौड़े भागे चले जा रहे हैं और फिर एक इजी सक्सेस ट्वेंटी टू ग्रेड की तरफ नज़र आ रही है इसका कोई लोगों को ख़ुद से कोई एहसास करने का तरीका कार नहीं हो सकता दफ़ा हम सोचते हैं कि हमें जो पढ़ा रहे थे कितना मज़ाक था किस किस्म के विदाउट को एनालिटिकल थाट के और इवन आपने अगर एफ़एससी करके 120 स्टूडेंट्स में आना है सिविल इंजीनियरिंग में तो उस वक़्त तो पंजाब में एक यूनिवर्सिटी थी इस किस्म की और आने का तरीका वजह भी यही थी कि भाई जॉब है जॉब मिलती अभी ऐसे अजीब अजीब चीज़ें जो हम लोगों के अंदर आ गई थी और इसका कहां से वही आपने कहा 300 साल से शुरू हुआ है कि कोई तलवार लेके आया किसी मूल पर कब्जा किया बुध तोड़ा उसमें से पैसे वैसे निकाले हालांकि उनके इलाके में भी मंदिर हैं तो इस तरह की जीव जीव चीजें हमें अपनी अपने उस कल्चर में देखने में मिलती हैं। जिसको हमने एड्रेस नहीं।, नहीं किया ये बस तरह था मुनासिब कमेंट है बात यह है कि जब हम एक दूसरे माहौल में दाखिल होते हैं ना तो सब ठीक हो जाते हैं। फिर आप ये इस चोरी चकारी से बिल्कुल किनारा कश हो जाते हैं यू स्टार्ट देयर जो आपने इनिशियली टाइम वक़्त गुजार दिया इस, अब उस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो आप चालीस पचास तो ये इंटेल का चीफ क्यों है रिसर्च में जब उस पर सारे स्टूडेंट्स में आपस में तो अदरवाइज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और क्लास वेलो भी पढ़ा रहे थे जब उस पर बात हुई कि ये और इंटेल को इतना उस पर वो क्यों है बुक पूरी रिसर्च का हेड बनाया हुआ है और मेरे ख्याल वन ऑफ द फर्स्ट वन है जो उसने पेटेंट किया प्रोसेसर को अच्छा फिर स्टैंडफोर्ड से पी लेकिन उसमें जब हमने पूरा देखा पता लगा तो उसकी इनिशियल सारी एजुकेशन ही बाहर की है ये बड़ा हमारा जो उस वक्त एफएससी का सी का रटे बाद और अब ज, अब वो उस वक्त ये लेवल्स बड़ा मुश्किल था अब तो भेड़ चाल ले है ये लेवल्स अब ये भी एक डिफरेंस नया आ गया लेकिन मैं आपको एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकता हूँ अब्दुल्सम तो की तालीम मेट्रिक के स्कूल में थी वो टाट के स्कूलों पर पढ़े थे चलिए आगे चलते हैं सर मेरा ओवरसीज जो इमिग्रेशन है माइग्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तानी इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है हमारी एक तो एजुकेशन सिस्टम में ये फॉल्ट है कि हम मनी मेकिंग मशीनस बनाते हैं किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो कितने पैसे कमाएगा असल बात उसको ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी में ही ये स्कूलों में कॉलेजों में डाला जाता है पहले ऑब्जेक्टिव रिसर्च ओरिएंटेड या एनालिटिकल अप्रोच नहीं होती सिर्फ डिग्री लेना और पैसा कमाना है हमारा मकसद उसका आगे आउटकम नज़र ये आता है बाहर कि अब तीन सौ का डॉलर है और पाक तीन सौ मिल जाते हैं उधर एक डॉलर मिला है तो इधर तीन सौ रुपये हो जाएंगे ड्राइविंग फोर्स है इसके अंदर यानी बाहर जाके बंदा अगर सात हज़ार डॉलर ले रहा है या पाँच छः हज़ार डॉलर ले रहा है तो वो यहाँ सत्रह अठारह लाख रुपया ले रहा होगा पाकिस्तान में एक ये डिफरेंस ऊपर से हमारे क्लासेस और मासेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एक तबका यहाँ आपको बहुत रिच नज़र आता है जिसकी कोठियां हैं प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह तो जो नीचे वाला तबका है उसको एक ड्राइविंग फोर्स नज़र आती है पैसा कमाने के लिए बाहर जाना कि पाकिस्तान में तो कोई एक दुकान बना के इतने पैसे नहीं कमा सकता एक कारोबार लगा के इतने तो उसको बाहर जाके वो ड्राइविंग फोर्स नज़र आती है कि मैं पैसा वहाँ से कमाऊंगा और यहाँ आके याशी की जिंदगी गुजारूंगा पाकिस्तान में तो वो चीज़ पाकिस्तान में उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है इस वजह से ये ड्राइव अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसके ये किश्ती उल्टी है वगैरह 25-25 लाख रुपए देके दे के ये लोग बाहर जा रहे थे बाहर कोई अर्निंग ग्राउंड मौजूद है जिससे इन्होंने ये पैसा भी रिकवर करना है प्लस और भी पैसा कमाना है जब जाके ये रिटर्न आएगी उनकी और प्लस लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि वो फलाँ है वो बाहर है मैं भी अपने बच्चे को बाहर भिजवा दूँ तो वो अर्निंग करने लग पड़ेगा अर्निंग हैंड हो जाएगा और यहाँ फ्यूचर नहीं है सिस्टम हमारा हमारी एजुकेशन हमें मनी मेकिंग मशीन बनाती है कि किस तरह आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है वो ये नहीं क्रिएट करता कि आपने अपनी जस्ट लिविंग अफोर्ड करनी है और जब जो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी सोसाइटी जा रही है पाकिस्तानी सोसाइटी बड़ी तेजी से उस तरफ जा रही है जहाँ क्लासेस और मासेस का डिफरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और ये फ्रांस के इनकलाब के साथ कोरिलेट करती फ्रांस के इनकलाब में क्लासेस और मासेस का डिफरेंस बहुत ज्यादा था लोग सड़कों पर निकल आए थे मासेस और उन्होंने हाथ चेक करते थे चौकों पर खड़े होके कि ये हाथ नरम है मासेज या सॉफ्ट है ये हाथ से काम करता है कि नहीं करता तो वो हाथ काट देते थे तो ये हमारा सोसाइटी बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रही है मासज निकलेंगे बाहर एक टाइम आएगा और ये क्लासेस को क्लश कर देंगे जो मुझे नज़र आ रहा है हमारी सोसाइटी की एजुकेशन इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रही हमारी सोसाइटी उस तरफ लेके जा रही है और बड़ी तेज़ी से ये जो जो मासेज आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं जिनको कोई उनकी जिस वक़्त ये रोटी मिलनी बंद होगी ना उनको कि वो सारा दिन काम भी करेंगे और रोटी भी नहीं कमा अपने बच्चों को दे सकेंगे तो उस वक्त हमारी सोसाइटी उस तरफ जाएगी और ये इनकलाब आएगा इनकलाब चाहे आज से 20 साल बाद आए पचास साल बाद आए आएगा जरूर लेकिन वो फ्रांस से मिलता जुलता होगा अच्छा आपने बड़ी, आप बड़ी भयानक मंजर कशी की लेकिन चलिए आपकी दो बातों तीन बातें ऐसी हैं जिन पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा एक तो ये आप कहते कि पाकिस्तान के लोग बड़े लालची हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं डिग्री भी लेना चाहते हैं भाई ये क्या बात हुई मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी लालच और हावेस बाहर है, है उससे कम वो यहाँ से कम नहीं है और वो दे वॉन्ट टू मेक बिलियंस देखिए गुजर बसर के लिए आपके पास भाई मिलियन डॉलर हो जाए तो काफ़ी है ना वाई डू यू नीड अ बिलियन डॉलर्स हाँ वाई डू यू नीड अ बिलियन डॉलर्स तो वो चीज तो है लेकिन फर्क ये है कि वो एक्चुअली कोई चीज बनाते हैं कोई काम करके दिखाते हैं देर इज अ प्रोडक्ट हम बिना काम किए वो पैसा हासिल करना चाहते हैं और वो स्पेक्यूलेशन से जमीन आपने आज एक करोड़ की खरीदी साल के आखिर में वो सवा करोड़ हो गई आपने यूं 25 लाख बना लिए ये और ये ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूं लेकिन ऐसा कितना आम है है ये आपको पता डिग्री बाहर के लोग भी डिग्री चाहते हैं और उसके लिए बड़ी तगौ करते हैं लेकिन दे एक्चुअली लर्न डिग्री मीन समथिंग हमें सिर्फ कागज का टुकड़ा चाहिए ये खतरनाक बात है फिर आपने ये कहा कि इधर गुरबत हमें मजबूर कर रही है कि हम बाहर निकलें पुश फैक्टर है मगर एक अभी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ शायद सबको ये बात पसंद ना आए लेकिन ये एक रिसर्च है इस मौके का नाम है अली नबील अहमद और ये लम्स में प्रोफेसर था रिसर्चर uh, था अब वो एक माइग्रेशन प्रोजेक्ट का हेड है नैरोबी में और उसने ये सवाल उठाया कि यहां से नौजवान क्यों भागना चाहते हैं वाई डज द यूथ मेल यूथ वॉन्ट टू लीव पाकिस्तान गुरबत एक चीज है और जरूर वो एक पुश फैक्टर है लेकिन उधर उसका ये कहना है और मैं इस बात को क्या मैं समझता हूँ इसमें काफी हकीकत है इधर जो घुटन का माहौल है और जिसमें आप लड़कियों से मिल नहीं सकते और आपको मजबूर किया जाता है कि आप खानदान के अंदर ही शादी करें और दूसरी तरफ मगरब है और मग, मगरब की जो चमक दमक है और उधर जो खुतिन यूँ फिर रही होती हैं आजाद फिर रही होती हैं तो देर इज अ नेचुरल सेक्शुअल अट्रैक्शन और उसने अपनी किताब का उन्वान रखा है माइग्रेशन अब मुझे याद नहीं पूरी तरह से माइग्रेशन मैस्कुलिटी एंड सेक्शुअलिटी इन पाकिस्तान टू यूरोप माइग्रेशन और ये कोई छोटी चीज नहीं है क्योंकि देखें हम आ, फिल्में देखते हैं आ, और एक खुला माहौल हमारे सामने उन फिल्मों में आता है और कुदरती तौर पर जो जवान होते हैं वो जवान लोग होते हैं वो वो कहते हैं कि हमें हमें भी वो चीज मैसर होनी चाहिए एंड सो दिस इज अ पुल फैक्टर ओवर अच्छा और जो आखिरी बात आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की की ना अगर यहां इनकलाब आया तो आप और मैं भी जिंदा नहीं रहेगी <laughs> तो उसकी दुआ ना कर <laughs> okay. जा रही है सोसाइटी ओके ठीक ग्रेट टॉक सर आई वुड लाइक टू से के फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्योंकि हमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी गोइंग फॉर मेंटल हेल्थ उनको अमूमा वहाँ पे करना पड़ता है कि दे ट्राई टू फाइंड समबडी ऑफ देयर ओन बैकग्राउंड तो एक रिगार्डलेस ऑफ दी सोशो इकोमिक स्टेटस एंड द पोजिशंस दैट दे हैव इंकॉर्परेटिड दम इन के मतलब कोई सिलिकॉन वैली में चला जाए और कोई बेशक वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हो उनके इश्यूज में एक बड़ी सेम सिमिलर थीम नजर आती है एंड दैट इज़ ए फिनम कॉल्ड आइडेंटिटी मोरिटोम वो बेसिकली बात ये है सर कि व्हेन दे गो आउट एंड हैविंग सच एक्सट्रीम डिवर्सिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ जो उनको वहाँ पे नजर आती हैं तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से आपने बड़ी वो सही बात कही कि मतलब ख़ानदान में शादी करना आपके पास चॉइसेस कम होती हैं आप अपनी आइडेंटिटी कहाँ नगोशिएट कर सकते हैं वो बहुत कम होता है जैसे आप इंजीनियर हों आप गोल्ड मेडलिस्ट हों दैट डजेंट मैटर आपकी नौकरी कितनी अच्छी है आपके पास प्लॉट क्या है इन चीज़ों पर हमारा ज़्यादा एक पर्सनल प्रसिवड वैल्यू हम पे देते हैं उसको हम लोगों को वो वाली वैल्यूज जो वेस्ट ने या बाकी कंट्रीज जो जा रही हैं जिसमें से एक बहुत डिफरेंट हमें चीज़ नज़र आती है कि जहाँ तक इंडियन हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस चाइनीज हैव ईरान हैज एज वेल हैव हैल्सो सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस देर वॉज अ टाइम के एलेवन परसेंट ऑफ सिलिकॉन वैली हैड ईरानियन बैकग्राउंड सी उनकी कंट्री हमसे इन अ लॉट ऑफ इशूज सिमिलर है बट उसके बावजूद वो लोग आगे जा पा रहे हैं बिकॉज उनके कल्चर में ये वैल्यू सिस्टम इतना का चेंज है कि बींग एन इंटेलेक्चुअल डिस्कवरिंग समथिंग मेकिंग समथिंग इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल हमारे यहाँ पे उस चीज़ दैट्स अ सेकेंडरी ऑप्शन आप डॉक्टर हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च आई एम इंटरेस्टेड कि आपके हॉस्पिटल्स कितने एंड हाउ मच वेल्थ डू यू हैव आई थिंक सर कि उसको एड्रेस करने के लिए समथिंग शुड बी डन विच इज़ ए कम्प्लीट ऑपोजिट ऑफ एच ई सी ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड बी फोकसिंग ऑन प्राइम एजुकेशन उसकी रीज़न ये है सर कि बहुत सारे जगहों में हम लोगों का जब भी एक होता है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में वी फोकस विद लॉट ऑफ एन वी टू इंजीनियरिंग एंड स्टेम फील्ड्स बट सोशल साइंसिस में आर द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट अगर हम इन्वेस्ट करें वी कैन कम अप विद वेरी गुड सोल्यूशन जैसे फॉर एग्जाम्पल सर ओ एवल्स सिलेबस जो है दैट वॉज मेड ऑन ब्लूम्स टॉनमी जो कॉन्सेप्ट कैसे लेने बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डालनी है उसमें उसकी बुनियाद पर बना हुआ अलकुम सर अरसलान सर आपने जो बात की है कि माइग्रेशन uh, के कुछ कॉजेज़ हैं और इसमें आपने मुख्तु एग्जाम्पल्स कोट किए हैं सर मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइग्रेशन का रियल कॉज है वो हमारी किसी हिस्टोरिकल चीज़ में छुपा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ख़ुद बताया कि 300 हंड्रेड ईयर्स अगो ब्रिटिश आए और उन्होंने जो भी किया उसके साथ ब्रिटिश ने यह किया कि उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम दिया एटीन थर्टी टू में लॉर्ड मेकॉलेग उस एजुकेशन सिस्टम की प्राइम जो जो फिलासफी थी वो ये थी कि यहां पे नौकर पैदा कर किए गुलाम पैदा किए हैं जो, जो उनको सर्व करें आफ्टर पार्टीशन सेम सिस्टम कंटिन्यू आज भी हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर मुल्क में आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर एक ओ ए लेवल का एजुकेशन सिस्टम है जिनकी भाई भी बात करते एक गवर्नमेंट है एक जो है वो मदरसा सिस्टम है इससे कभी भी ये, नेशन जो है वो कभी भी एक पेज पे नहीं आएगी और दूसरी बात ये जो कलोनलिज़म है जो जिसकी जो एक और बेस कैपिटलिज्म है हम जिसको बोलते हैं ये तो मतलब दुनिया में राइज इसलिए किया जाता है कि वहाँ की जो करीम है उसको एक्सेप्ट किया गया किया जाए और अपने पास गुलाम रखा जाए आप बात कर रहे थे ना पहले अंकल ने भी बात की है कि कोई एक आध एक्सेप्शन बन जाती है वहाँ पे कोई काबिल बंदा पैदा हो जाता है तो वो उसको भी स्कॉलरशिप दे के अपने पास बुला लेते आज आपने ये जो माइग्रेशन की कॉजेज़ बताए हैं फेलियर बताए हैं और सक्सेस बताएँ एग्री हो रहे हैं इससे लेकिन आप देखें ना ओवरऑल सोसाइटी की साइड पे जा रही है ओवरऑल तो सोसाइटी डिक्लाइन में जा रही है जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान का हर बंदा अगर उसे मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए तो आज मेरे ख्याल से जरूरत इस बात की है कि इस चीज़ पर तोज्जो दिलाई जाए कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रही है देखें ना कभी अमेरिकन ने आगे पाकिस्तान में माइग्रेट करके काम किया हम पाकिस्तानी सब कॉन्टीनेंट के लोग जितने भी हैं ये मिडल ईस्ट के लोग यही जाते हैं वहाँ पर क्योंकि हमारे ऊपर कैपिटल सिस्टम जो है वो इम्पोज जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट माइग्रेशन होता है डिस्ट्रक्शन होता है एक्सप्लाइटेशन होता है जो आज हम फेस करें आज हम जितने भी यहाँ पे कन्वर्सेशन कर लें हमारे इस कन्वर्सेशन के बाद भी लोगों ने माइग्रेट ही करना है क्योंकि उन्हें यूएसए का वीज़ा चाहिए उन्हें यूके का वीज़ा चाहिए क्यों वहाँ पर उनको बुनियादी सहूलियात मेसर हैं आज अब देखें आज पाकिस्तान के किसी भी बंदे के पास एक भी सहूलत है इवन इलेट क्लास ले लें वो भी अपने उन बेसिक सहूलियात के लिए बाहर ही जाती हैं ना तो जब ओवरऑल सोसाइटी का कल्चर ये है तो सब यही होगा माइग्रेशन और दूसरी बात आपने इंडिया और पाकिस्तान की बात की तो इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें बजट देखें इंडिया का बजट देखें एजुकेशन का ऑलमोस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द बजट गोज एजुकेशन पाकिस्तान में वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट ये अभी जो रिसेंट बजट पास हुआ तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट में आप क्या देंगे नेशन को नेशन भागेगी यहाँ से और एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में जिसका अल्टीमेट रिजल्ट माइग्रेशन है चलिए आपने बहुत सी बातें की लेकिन ये बिखरी हुई हैं इनको अलग-अलग करने की जरूरत है एक तो ये आपने कहा कि अंग्रेज ने हम पर ये निजाम तालीम मुसलत किया लॉर्ड मैकाले का तो जरा ये सोचें कि उससे पहले आपका निजाम तालीम क्या था मदारस का था मदरसे की जो तालीम है वो आज से हजार साल पहले बनी थी उसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई है वो बुनियादी तौर पर दीनी तालीम है वो आपको जिंदगी बादल मौत के लिए तैयार करती है आप ये नहीं कह सकते कि उस निजाम तालीम में कोई खराबी आई है आज भी देखें साथ वाला जो मदरसा है आपको बेहतरीन इस्लामी तालीम वहाँ मिलेगी मसला यह है कि जमाना बदल गया है अंग्रेज उस जमाने के इस जमाना जदीद की तालीम लेकर आया यहाँ यहां पर हमने उसको मुस्तरद कर दिया हम मुसलमानों ने उसको मुस्तरद कर दिया ये कहकर के हमारे पास एक किताब है सो काफी है इससे आगे हमें किसी चीज की जरूरत थी हिंदू ने कहा कि हाँ हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है ये जो तुम कह रहे हो कि औरतों को ना जलाओ वगैरह लेकिन चलो ठीक है हम मान लेते रिफॉर्मर्स थे उन्होंने धीरे धीरे उसको कबूल किया और फिर जो फर्क था ना हिंदू और मुस्लिम में वो यूं बढ़ा और ये आज की बात नहीं है 200 साल पहले की बात है जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमारे जो आबाव अजदाद थे वो तंग नज़र थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं चलना है दुनिया के ज़माने के साथ साथ एक बेचारे वो सर सैद अहमद खान थे उन पर पांच हजार पांच सौ पचपन कुफर के फतवे लगे ओनली पर्सन अलामा इकबाल क्या फरमाते हैं तलवार मुसाखर करो दुनिया को हम अलामा इकबाल का पाकिस्तान यहां बनाने लगे हैं ना मसला ये कि वो चल नहीं रहा है चल नहीं सकता अच्छा और आपने और क्या बात की सॉरी नहीं नहीं है नहीं, वो याद दिला दे मुझे याद ही दिला देता हूँ आपने बात की ना कि हम तंग नजर थे हाँ। सर बात यह है कि मुस्लिम ने कितने पीरियड में दुनिया पे रूल किया थ्री कॉन्टिनेंट पे आई हजार साल देखें मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया सात सौ बारह में बिल्कुल ठीक है हाँ? और कि, कितने साल हो गए उसको चौदह सौ साल हो गए बिल्कुल ठीक है चौदह सौ साल में यहाँ इस खत्ते में हमने कोई साइंस को जन्म दिया कोई नए इलम को जन्म दिया नहीं जो है वो जो अल्फ़ा अलफराबी और इब्ने सीना और वो फला फ़ला वो सारे अरब के हैं इस इस बरे सगीर के कोई नहीं है तो नहीं। हम किस बात का रो रहे हैं एक और चलिए अगर आपको याद नहीं मुझे भी याद नहीं आगे कुछ हाँ बजट बजट की बात है रॉन्ग यू आर रॉन्ग ऑन दैट हम 2.1 परसेंट ऑफ द जीएनपी कुल कौमी पैदावार खर्च करते हैं तालीम के ऊपर बांग्लादेश इसी के लगभग खर्च करता वो भी कोई 2 परसेंट करता और इंडिया 2.5 करता उससे ज्यादा नहीं लेकिन जिस तरह से वो बजट इस्तेमाल होता है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देखें इधर आप देखें हमारे प्रोफेसरान मैं खुद भी था ना आ, बहुत आलीशान मकान में मैं रहता था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में तीस पैंतीस साल मैंने जै, जैसे ई सेवन के मकानात है ना उससे बेहतर मकान और यार मैं मेरे सारे पड़ोसी सब इसी तरह से रहते आप इंडिया जाकर देखें उधर के जो प्रोफेसर हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं हमारी तरह नहीं है लेकिन वो छोटे छोटे दड़बों दर, में रहते हैं इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज योर बजट थैंक यू सर फॉर अमेजिंग सेशन सर आई वुड लाइक टू से हमारी कौम का मसला ये है कि हमने इस्लामाइजेशन को ग़लत तरीके से अडोप्ट कर लिया कि जब भी सर देखें कि रिलीजन आता है ना हमारे ऊपर तो उसने हमारे साइंस को चोट पहुंचाने की कोशिश की है हमेशा से चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो क्योंकि सर आई हैव प्रूफ ऑफ़ दैट आई हैव सॉलिड प्रूफ ऑफ़ दैट गलेलियो ने जब अपनी टेलीस्कोप पहली दफ़ा स्पेस की तरफ की तो उसको डराया गया उसको धमकाया गया फिर उसके बाद सर एरस्टोटल को जहर का पिला प्याला पिला दिया गया सोक्रटिस को हाँ एंड फर्दर मोर सर इब्न सीना और जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनको सर आ, घुटनों पर लिटा के सर देवर ट्रामाटाइज एंड टॉर्चर्ड कि वाई आर यू दिस के, के ज़मीन गोल है या या वाई आर यू एक्सक्लेमिंग द फैक्ट के यू नीड टू थिंक विद लॉजिक मंतक से काम लेना चाहिए दे डिड नॉट लाइक मंतक तो हमें सबसे पहले सर अपनी कौम में मंतक उजागर करने की जरूरत है आपके मुंह में घी शक्कर थैंक <laughs> यू सर सबसे पहले पाकिस्तान में चार सूबे है, चार सूबों में से किस सूबे से लोग ज़्यादा जाने की ख्वाहिशमंद है और उनके वजूहत क्या है जा, किस वजह से वो जा रहे हैं बाकी मैं बलूचिस्तान से मैं बलूचिस्तान के हद तक तो कह सकता हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद है वो इसलिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं आप और दूसरा एजुकेशन पे बात आप कर रहे थे मैं बलूचिस्तान से मैंने वहाँ से मैट्रिक किए और मैं तकरीबन सेवन्थ में ही था आपके लेक्चर्स देखता था और किसी दोस्त ने आपके बताया था सबसे पहले वो लेक्चर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने दिया था और अट्ठावी उस पर था एटम बम पे था मुझे बहुत अच्छा लगा ये अलग वो परस्पेक्टिव था कि एटम बम इसलिए नहीं है कि आप शहरों को उड़ाओ लोगों को मारने के लिए ये बुरा चीज़ है ये और वहाँ पे जो मामा एजुकेशन सिस्टम है जो मेरे ख़ुद के क्लास फेलोज थे वहाँ पे जो ठापर है वो फिर यहाँ यहाँ आ सकता है मतलब जो पंजाब में जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बनाए जो हमारे ठापर थे वहाँ पे छः छः किस्म की गाइड उनके हाथ में होता था वो रट्टे लगाते थे कि क्या तो हम लोग रक्षे लगा के वो एग्ज़ाम्स पास करते थे और सब कुछ करते थे वो ग्रेडिंग से जो जो लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं फिर उनको तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं वो वो फिर क्या करे वो किस तरफ जाए अगर इस ग्रेडिंग सिस्टम से और वो उस निज़ाम से किस तरह निकाल सकते बिल्कुल सही बात बड़े अहम मसले की आपने निशानदेही की जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है जो इम्तहान का तरीका कार है, जो मुमतहन है खुद वो इस खराबी के बहुत हद तक जिम्मेदार हैं अगर आप लोगों को नंबर या मार्क्स इस पर देते हैं कि उन्होंने कितना कुछ याद किया भाई वो तो आजकल के जमाने में कोई माने नहीं रखता मेमरी इज चीप अगर आप कोई सा भी अब अब तो आप डिजिटल मेमोरीज को देख लें पहले तो हम एम में उसको नापते थे अब जी में करते हैं अब कुछ देर के बाद टी में हो जाएगा हजारों गुना का इजाफा होता है मेमोरी इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग कंप्यूटिंग पावर इज तो जब आपके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर बिठा दिया जाएगा ना कि आप इन चीजों को समझ सकें जो जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी तब इसका फायदा होगा और ये जो पूरा निजाम है रट्टे का निजाम है ये हमारे पूरे पूरे मुल्क के लिए जहर है ठीक बात की आपने बिल्कुल दूसरे जो जो पे बन रहे हमारे हमारे आम स्कूल्स थे उनको खत्म कर रहे जो कैडेट कॉलेज बन रहे और उसमें जो वॉरियर जो माइंड है वो बना रहे वो किस तरह उसका क्या मुस्तकबिल <laughs> <हुआ? laughs> तो वॉरियर्स वा, दो जैसे बनते हैं वो जंगजू सोच तो लेकर निकलते हैं लेकिन जंग तो ये इन्होंने एक भी नहीं जीती अब तक <laughs> तो <चारी। laughs> मैं भाई की बात में इजाफा करूंगा कि ये जो रटा सिस्टम कह रहे हैं ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है चाहे पंजाब में जाए चाहे सिंध में जाएँ चाहे बलोचिस्तान हो चाहे के पी के हो खास मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो पंजाब में जब आखिरी दो मंथ रह जाते हैं ना तो मार्किट्स के अंदर ना ए प्लस आते हैं हर सब्जेक्ट के तो बच्चे उनको दो मंथ के अंदर रटा लगा के गैस पेपर को रटा लगा के तकरीबन 95 परसेंट नंबर तक ले लेते हैं तो बाकी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज़ की तो हम बात कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में अभी डिग्री कंप्लीट कर ली है जिनके पास पीस ऑफ पेपर आ चुका है वो पाकिस्तान में रह कर कैसे गुजारा करें एक तो आपने ये बताना है और दूसरा जो पहले आंसर कर दें आप देखें ये आ, हर हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि वो अपने स्किल सेट को बड़ा करे जितना ज्यादा वो सीखेगा उ, उसी हिसाब से उसके ऑप्शन बढ़ेंगे मैं ये नहीं बता सकता कि इसको या इसको या उसको क्या करना चाहिए ये आप अपनी सिचुएशन देखकर फिर खुद फैसला करेंगे मुझे हाँ ये सीखना है ये सीखूंगा तो फिर वो भी सीखना पड़ेगा और फिर होते होते शायद मैं यहां तक पहुंच जाऊं कि मेरी मांग बढ़े लोग मुझसे मुझे, मुझे जॉब देना चाहें अगर कोई मुकाबला होता है तो मैं वो शायद जीत भी जाऊं ये एक बड़ा इंडिविजुअल सवाल बनता है जो आपने किया है कि एक फर्द को क्या करना चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन अच्छा गवर्नमेंट को क्या यूटिलाइज करना चाहिए कि इतने लोग हैं डिग्री कर रहे हैं पिछले साल तकरीबन सात लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के है जिनके पास डिग्री थी ऑथेंटिक थे तो उनको कैसे यूटिलाइज करे गवर्नमेंट मैं थोड़ी सी तसी करूँ सात लाख नहीं ये कोई साढ़े तीन लाख थे ट्वेंटी ट्वेंटी टू में और पैंतीस पे, साढ़े तीन लाख हां तीन लाख थे जिनमें से ये वर्क परमिट्स की मैं बात कर रहा हूं साढ़े तीन लाख वर्क परमिट्स दिए गए जिसमें से ढाई लाख ड्राइवरी के लिए थे तो उसके लिए आपको कोई खास स्किल्स नहीं चाहिए अलावा ये कि आप गाड़ी अच्छी तरह से चला सके उसके लिए कोई बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं लेकिन जिन चीजों के लिए आपको स्किल्स चाहिए ना और उनमें मैं मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिशन प्लम्बर ये कंप्यूटर जो बेसिक्स जानता हो कंप्यूटर ठीक करने का इनके लिए बहुत मांग है इतनी ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ एक अच्छा पॉलीटेक्निक बना लेना वैसे तो बहुत है लेकिन अगर ये सर्टिफाइड पॉलिटेक्निक हो तो एकदम उन लोगों को दुबई में सऊदी अरब में कहीं जॉब मिल सकती है मगर हम उनको बीए कराते हैं बीएससी कराते हैं उनको एमएससी, उस दौड़ में लगा जा लगा देते हैं जिसका फिर कोई इख्तिताम नहीं ना कोई उसका सिरा नहीं उस तरफ से आप डिग्री पे डिग्री लिए जाते हैं दे नॉट वर्थ एनिथी गेट दो तो स्किल्स और फिर आपको कश्ती में भी नहीं बैठना पड़ेगा सर आपने अपनी बात अपनी गुफ्तु का आगाज़ किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर मुल्क जाकर भी अपनी उस मैंटेलिटी को क्यों बरकरार रखते हैं उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत से पाकिस्तानी आठ दस घंटे हवाई जहाज़ का सफ़र करके कैनेडा या अमेरिका तो चले जाते हैं लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि सिर्फ वो आठ दस घंटे का सफ़र नहीं है उन्हें वो मेंटली भी पाकिस्तान से कनेडा या अमेरिका जाना है तो वो वहाँ जाकर भी वही कुएं की मेंढक की सोच बरकरार रखते हैं दूसरी इसमें एक वजह यह भी हो सकती है जैसे डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे जनरेशन है या पाकिस्तान के लोग हैं हमने उन्हें स्टेट प्रोपागेंडा और मताल पाकिस्तान के ज़रिए इतना कंफ्यूज बना दिया जैसे कभी हम तुर्क को हीरो बनाते हैं कभी अरब को कभी मोहम्मद बिन कासिम को कभी आ, किसी को तो और जो अपने हमारे वतन के या इधर के लोग हैं उस कल्चर से कोई कनेक्शन नहीं है उसकी वजह से ये होता है नई जनरेशन कंफ्यूज होती है और उनमें जो अतमाद है वो कम हो जाता है दूसरी एक वजह जो एक चीज़ जो आपने डिस्कस की कि वहाँ पर आपने देखा है और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि पेरेंट्स जो वहाँ जाकर भी अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं शायद उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स की साइकी है वो इस तरह से है कि वो अपने बच्चों को एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते वो बल्कि उन्हें अपना एज ए प्रोजेक्ट देखते हैं एक ऐसे समझ लें जैसे अपना कोई पेंशन प्लान या उनकी एक सेविंग है और जैसे आ, उन उनके लिए वो एक सारी जिंदगी एक अचीवमेंट रह जाती है एक ट्राफ़ी रह जाती है बच्चे के एजुकेशन के वक्त उन्होंने दूसरों को बताना है ये मेरा बच्चा ऐसे या इसकी शादी हो गई या ये कैरियर तो एक वो सेट पैटर्न चल रहा है जिसके ऊपर पेरेंट्स ने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के लिए एक ट्वाइस बनाया शायद वो अपनी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ रखते हैं उनको बच्चों के ज़रिए कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं ये बहुत उम्दा है जिस तरह से आपने ये सच्चाइयाँ बयान की हैं ना बिल्कुल के माँ बाप ने अपने बच्चों को अपना प्रोजेक्ट समझा हुआ है वो बच्चों को अपनी मिल्कियत समझते हैं अब जब ये सोच लेकर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो कुछ बच्चे तो ये मान जाते हैं आखिर माँ बाप का इतना ज़्यादा जोर होता है उनके ऊपर कि वो उसे कबूल कर लेते हैं मगर बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करते और मसला फिर वहाँ से शुरू होता तो ये मेरा ख़्याल है एक इरत अमल है और जब एक दो चलिए तीन वहां जनरेशन आगे निकल जाएंगी फिर ये चीज उधर मिट जाएगी फिर वो वैसे ही हो जाएंगे जैसा कि दूसरे लोग होते हैं लेकिन काफी ये ये रवैये जो हैं बड़े सख्त जान साबित हुए हैं हार्डर देन फॉर मोस्ट पीपल than फॉर अदर पीपल इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा एक अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी डॉक्टर है उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन शेयर की कि मैंने नोट किया पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा यंग एज में उसकी डेथ हो जाती है तो ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन होता है सोसाइटी का ओहो इसके माँ बाप का क्या बने इसके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होगी लेकिन अमेरिका में उन्होंने ऑब्जर्व किया अगर कोई यंग एज में किसी की डेथ हो तो वो ये कहते हैं इसने तो अभी बहुत कुछ देखना था इसने अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था तो यहाँ से भी एक आइडिया होता है कि किस तरह हमारी सोसाइटी में बच्चों की सारी ज़िंदगी का फोकस माँ बाप के वो सपने और वो हैं वेरी well तो इससे फिर ये भी आता है कि जो इंडिविजुअलिज्म है इनफरादियत हमारी सोसाइटी में ख़त्म हो रही है इसी वजह से वो जो इनोवेशन हमारा असल मसला वो ख़त्म हो रहा है आखिर में आखिर में मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करने की जसारत चाहूँगा वो ये है कि हम बात करें ओवरसीज़ माइग्रेशन की ओवरसीज़ माइग्रेशन कोई ऐसा फिनमिना नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में है ये सारी दुनिया में हमारे हमसा इंडिया में हमसे ज़्यादा इमिग्रेशन होती है तो मेरे ख़्याल से इमिग्रेशन ज़्यादा बड़ा मसला नहीं यहाँ से लोगों का छोड़ के जाना क्योंकि अभी हम देखते हैं कनेडा और अमेरिका में बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस जाते हैं पाकिस्तानी तो एक बहुत कम तादाद में बुलाव करते हैं तो हमें शायद वो सोच कि किस वजह से करें और जो लोग यहाँ बाकी रह जाते हैं उनकी वो जो मायूसी नाउमीदी है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए आपने कहा आप इख्तलाफ करेंगे इख्तलाफ कहाँ ये देखें कि इंडिया अब जो मोदी वहाँ गया तो उसकी वजह से एच वन वीज़र्स एच वन वो होते हैं जो आ, बहुत क्वालिफाइड लोगों को देते हैं उन ऐसे वीज़ाज की तादाद में अब इजाफा होगा तो जो बेंगलोर से कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं एआई एक्सपर्ट्स हैं वो सारे अब अमेरिका ज़्यादा जा, तादाद में जाया करेंगे हमारे लिए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर एच वन की तादाद में ज़्यादा कुछ ज़्यादा इजाफा होता क्योंकि इतने कम हैं जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए यहाँ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अक्सरियत है वो अन वो मजदूर तबके के लोग हैं जो इमिग्रेट करना चाहते हैं इंडिया से जो मिडल ईस्ट जाते हैं उनकी कॉम्पोजिशन देखें और जो पाकिस्तान की से जाने वाले की कॉम्पोजिशन है दोनों में बड़ा फर्क है हमारा 97 परसेंट अनस्किल्ड है या लो स्किल्ड है थ्री परसेंट इज हाई स्किल्ड इंडिया का मुझे सही पता नहीं लेकिन इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स इमिग्रेशन ओवर द सेंचुरीज वो तो होगा और वो कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है uh, मेरा नाम मेहताब खालिद है सर uh, इसमें दो पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगा एक तो उन भाई ने भी मेंशन की थी uh, मैं स्टेम एजुकेशन में काम करता हूँ सिंस 2016-17 uh, एक तो जो माइग्रेशन की एक रीज़न ये भी है कि लोग के पास अभी खाने पीने के पैसे तो हैं लेकिन दे वांट अ लेविश लाइफ वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि मेरे इलाके में बहुत से लोग जा रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा शायद एक दो साल में ऐसा भी हो कि हर घर से एक बंदा बाहर हो अभी भी है, मतलब यू के वो करते क्या है कि यू के यूके चले जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे डिग्री जिनके पास होती है या एम एस चले जाते हैं न जाली बनवा लेते हैं तीन चार लाख की जाली आपको आराम से मिल जाती है मार्केट से हाफ यू पे करते हैं सिक्स थाउजेंड आई थिंक पहले टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड होती थी अब सिक्स थाउजेंड पाउंड पे करते हैं और वहाँ पे जाके फिर क्लासेस नहीं जाते गायब हो जाते क्योंकि उनको लगता है कि जब वो एक साल काम करेंगे तो अपनी जितनी फी उन्हें अपने ऊपर ख़र्चा किया है मतलब डन बेस पे काम हो रहा है आप पैंतीस लाख दो आपका डन बेस पे काम है अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा सो ये वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है लेकिन ऐसे लोग जा रहे जिनके पाकिस्तान में सैलरीज अच्छी है फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड विदिन वन लेख तक भी है लेकिन वो जा रहे हैं वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करना चाह रहे हैं दूसरा एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने बात की आ, मैं इस टाइम एजुकेशन स्पेशली के टल्व पर फोकस कर रहा हूँ इस टाइम तो इस टाइम जो स्कूल ऑनर्स है वो इस बात ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हम वो ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना रटे वाला सिस्टम उससे बाहर आ जाए तो जो ऑनर जो प्रिंसिपल है वो तो डिपेंडेंट है ऑनर पर वो कह रहे हैं जब तक ऑनर डिसीजन नहीं लेगा तो वो नहीं हो सकता इवन गवर्नमेंट के साथ इतनी मीटिंग्स हो चुकी है जब इमरान खान यहाँ पे थे उन्होंने इस टाइम पर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था तो वो मैंटेलिटी और माइंड सेट चेंज ही नहीं हो रहा न स्टूडेंट्स का हो रहा है न पेरेंट्स का हो रहा है न गवर्नमेंट साइड पर हो रहा है तो हमें मेरे ख्याल में अंटरप्रनरशिप को थोड़ा सा फोकस ला के उसको प्रमोट करना चाहिए और स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए लाइक कि आप ग्रेड नाइन टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें बच्चों को इतनी स्किल्स देनी चाहिए कि वो एटलीस्ट लोकली या इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करके अपनी स्टडी को ख़ुद फाइनेंस कर सकें सो so, उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएंगी पाकिस्तान की इकानमी बेटर होती जाएंगी और जो भी थोड़े बहुत मसले हैं वो इंटरप्रनरशिप से हल होंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली जितनी भी गवर्नमेंट आ जाए जा, वो कुछ नहीं करने वाली मतलब जितना मैंने थोड़ा सा देखा है तो वो वही लोग हैं ना कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में मैंटेलिटी तो वही सेम है Thank you so much. मैं ये बात नहीं समझ पाया कि आंट्रप्र से एक बच्चे को आप अपनी स्कूल एजुकेशन कैसे फंड कराएंगे वो तो नहीं हो सकता ना वो तो रियासत के ऊपर लाजिम होता है और अगर रियासत ना करे तो फिर उसके माँ बाप के ऊपर लेकिन बारहवीं तक मेरा ख्याल है आप ये स्टूडेंट से डिमांड नहीं कर सकते कि वो बन जाए नो सर मेरा क्वेश्चन मेरा जो कहने का मकसद है ये था कि हम उनको स्किल्स दें स्किल्स दें ताकि वो थोड़ी बहुत अर्निंग और वो थोड़ा सा जो एक खुददारी वाला है अपने पाँव पे कड़ा होने का जो एक वो फैक्टर है वो इस लेवल से स्टार्ट होगा तो तब जाके यूनिवर्सिटी लेवल के बाद और यूनिवर्सिटी लेवल में आगे कुछ कर पाएगा इससे तो मेरा बिल्कुल इतफाक है आपसे बिल्कुल लेकिन स्कूल में जो उसको फंडामेंटल स्किल्स है ना रीडिंग राइटिंग एथमेटिक वो चीज़ें आनी चाहिए और जो इस वक्त बच्चों को नहीं दी जा रही है ठीक तरह से मतलब वो रट्टे वाले सिस्टम से खत्म करना चाहिए कंसेप्चल लर्निंग पे आएंगे तो वो खुद ब खुद जाएंगे यूनिवर्सिटी का सर बहुत बुरा हाल है ग्रेजुएट होता है कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है वेबसाइट बनाना नहीं आती वही पीएचपी में फंसे हुए हैं और उनको नहीं पता इवन उनको पता भी नहीं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई तो और मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह निकल रहे हैं तो वो तो सर फिर मार्केट में उनको तो जॉब नहीं मिलेगी फ्रस्ट्रेशन ही होगी और मैंने सर 3.84 पॉइंट एट फोर जी पी ए के लोग की इंटरव्यूज़ भी किए अपने उसके लिए स्किल्स उस नहीं है कह रहे हमें पढ़ा ही नहीं गया तो वो एक माइंड सेट नहीं बना कि वो खुद भी तो पढ़े आप कहने गूगल का जिक्र है आपके पास हर चीज़ है लेकिन वो माइंड सेट तो पहले बनाना पड़ेगा हम उसकूल से कि आप जरा ये चीज़ें खुद भी सीखें

rather than having textbook culture it's more uh, slide culture practically slides uh, we're pretty much stuck with that uh, you even things that are now consider are now practically incorrect uh, no one's actually willing to adapt uh, co computer science has seen several changes over the past several years but we still cannot account for the fact that these theorems that we're studying within our classes are actually have been proven incorrect false uh, besides that Besides that, I'd like to add a comment at least regarding uh, his specific mentioning of computer science technologies. Uh, one aspect that tends to get ignored with, it, with computer science, at least, is um, the industry here has not actually made the full ship, full jump towards modernized, modernized web technologies or uh, computer technology on the whole. Uh, you're mostly seeing that with startups. If you're looking at established corporations, you're not going to see that sort of cutting edge skill set be, being even necessary. ठीक बात है. So, I must ask though, why, why is it that we seem to have this aversion to inquisitorial learning in general, uh, from, pro from primary down to university? It seems that why it tends to be the most controversial question, mathematics down to po from mathematics to history. I mean, uh, we all know about 1960, We might know about the Kashmir wars, but I think nobody ever hears of Gibraltar, <laughs> of Operation Gibraltar. देखें ये आ, जब वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना तो बताना पड़ता है कि हु इज वी अब इसी ब्लैक होल में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत मुतजस बहुत क्यूरियस होते हैं और जो आ, जो ऊपर लैब है उसमें चीजों को यूं चेंज करते हैं यूं चेंज करते हैं और बड़ा मजा भी आता है अब यही चीज हमने जाकर एक पिंडी के स्कूल में की वहां पे बच्चे देखते रहे ऐसे अच्छा टाइम पूरा हो गया चले गए एक सवाल भी नहीं पूछा सो इट डिपेंड्स ए लॉट अपॉन आर कहीं है और कहीं बिल्कुल नहीं सर वंडरफुल सेशन सर मेरा सवाल यह है कि हम सारों ने ओवरसीज इमिग्रेशन को डिस्कस तो किया लेकिन इन इन नेगेटिव एन्वामेंट के ओवरसीज़ इमिग्रेशन को बुरा समझ के कि ये, ये कोई जैसे भी वो वो भाई भी कह रहे थे कि ऐसे लग रहे कि एक एक करके सारा मोहल्ला जा रहे हैं ये ये वो तो एक नेगेटिव इन्वामेंट मेरा सवाल सर ये है कि अगर एक नेशन जो है अगर अगर मैं एज ए इंडिविजुअल सोचूं और हर बंदा एज इंडिविजुअल सोचे तो अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही आपकी नेशन के आपका नेशन का आपके साथ इतना वीक है कि वो मुझे हेल्थ केयर एजुकेशन और ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये नहीं प्रोवाइड की गई तो मैं क्यों ना सोचूं एक बेहतर जगह मूव आउट करने के लिए ये ये बुरी चीज़ क्यों मानी जाती है यहाँ पे और 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 ये जो सारा नेशन नेशन uh, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है कि ये नेशन के ये बाउंड्रीज है तो मैं अगर यहाँ पैदा हूँ तो वो बाई चांस है ये क्यों है कि मैंने इसी मुल्क को सर्व करना है? मैं ह्यूमैनिटी के लिए क्यों ना सोचूँ तो इसको बुरी सेंस में हम क्यों देख रहे हैं वाई नॉट के एक बच्चा अगर यहाँ पैदा हो गया उसको नहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो मूव आउट करे बेहतर जगह के लिए अच्छे इन्वायरमेंट में जाए और अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारे बहुत अच्छा सवाल बहुत प्यारा सवाल एंड आई आई कम्प्लीटली एग्री विध यू ये बिल्कुल आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप इधर ही ठहरें जहाँ जिंदगी आपको ले जाती है जाएं उधर और अपने आप को डेवलप करें अब वो जो मिसालें मैंने आपको दी जिन्होंने चिप्स बनाए जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग किया विज़न वगैरह वगैरह अगर वो यहां पर रहते वो ये ना कर सकते उनको वो माहौल नहीं मिलता वो सपोर्ट नहीं मिलती तो अच्छा ही हुआ कि वो गए और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है कोई मायूब बात नहीं है कि अगर आप जाएं वहाँ पे बहुत से नौजवान मुझे फोन करते हैं कि हम बेजार हैं हम जाना चाहते हैं लेकिन जाना अच्छी बात नहीं है मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है बस कश्ती पे ना जाओ और ऐसे ये ऐसे एजेंट के हाथे ना चढ़ जाओ जो तुम्हारी जेब खाली कर देंगे और तुम्हें फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा बट अदरवाइज फाइन दे माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस द सेंचुरीज हमारे आबाओ अजदाद कहाँ से आए मैं नहीं कहूँगा अरब से आए वो नहीं आए ना हम तो इधर ही के लेकिन वो आए अफ्रीका से सेवेंटी थाउजेंड ईर्स है तो सभी अफ्रीकन है वे आर ऑल अफ्रीक इज नथिंग रॉन्ग इथ माइग्रेशन ऐसा तो होता रहा है सदियों से देहाइयों से ठीक देन थैंक यू